कराची से खबर शामिल करते बच्चों के आलमी दिन के मौके पर स्टूडेंट टैलेंट क्लब काजी में स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें रस्साकशी, स्केपिंग रोप, खो खो और एथलेटिक्स के शानदार मुकाबले मुनक़द हुए हैं। मोहम्मद रेहान अकरम का कहना था कि ग्रास रूट लेवल पर बच्चों को तैयार करना है इनकी राइट टू प्ले की निशानदही करता है। इस इवेंट में पाक कॉलोनी के गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल के तलबा और तालबात ने नहायत जोश खरोज से शिरकत की। माय नेम इज अम्मार अहमद, आई एम जूनियर स्टूडेंट ऑफ एसटीसी। आई एम वेरी एंजॉय डे अ लॉट और ऐसे एक्टिविटीज होनी चाहिए मेरे को बहुत। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली मां फातिमा है, मैं स्टूडेंट आज चिल्ड्रन डे और चिल्ड्रन डे में बहुत मजा आ रहा है। मैंने स्पीकिंग रोप लिया। जलालपुर पीरवाला में महकमा ज़राअत तौसी के ज़ेर एहतमाम मियां नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी के तजुर्बाती फार्म में गंदम की पायदार पैदावार के हवाले से किसान कन्वेंशन मुनक़द किया गया, जिस MNA जेक बबाद और चेयरमैन क़ायमा कमेटी कम्युनिकेशन मीर एजाज हुसैन खान छकरानी ने ठूल सिटी पहुँच कर मुख्तलिफ प्रांतियों से ताज़ियतें की। DSP पतोकी मलिक ताहिर सिद्दीक की हिदायत पर थाना सिटी पतोकी के SHO आबिद महमूद छीना का पुरानी मंडी पतोकी मकाबा खाने पर छापा। वज़ीर आला पंजाब और राज्य पंजाब की हिदायत पर सूबे के दीगर शहरों की तरह बहावलनगर में भी ज़िले पुलिस की जानिब से खुले कचहरियों का इनेकाद किया जा रहा है। DPO नसीबुल्ला खान ने शहरियों के मसाइल सुने और इन्हें फौरी हल करने का कहा। कश्मीर पुलिस ने एक फैमिली जिनमें दो औरतों और एक बच्ची को अगवा होने से बचा लिया। कश्मीर पुलिस ने अपनी पेशा वराना सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए करमपुर के रिहायशी एक फैमिली को अगवा होने से बरवक्त बचा लिया। और जिस कॉलन सिस्टम में इंटर क्लास आर्म रेसलिंग बॉयज एंड गर्ल्स इवेंट के मुकाबले मुनक़द हुए, सिंध आर्म रेसलिंग एसोसिएशन के तावन से 100 से ज्यादा बॉयज और गर्ल्स ने बड़ी तादाद में आर्म रेसलिंग इवेंट में हिस्सा लिया। क्लास 6, 7, 8 और क्लास 9, 10 और 11 के बॉयज एंड गर्ल्स ने हर वेट कैटेगरी में शिरकत की। वर्ज स्कूल के डायरेक्टर उजैर याकूब ने कहा कि आर्म रेसलिंग का खेल हर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बड़ी तेज़ी से फ़रोग़ हो रहा है और खेला जा रहा है, और आज वर्च स्कूल में बॉयज़ और गर्ल्स के इवेंट हो रहे हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। हम तालीम के साथ साथ खेलों को भी तरजीह देते हैं। स्पोर्ट्स टीचर तारिक हफीज़ ने कहा कि हम सिंध आर्म रेसलिंग के सेक्रेटरी जनरल काशिफ अहमद फारूकी का शुक्रिया अदा करते हैं कि इनकी जानिब से आज हमारे स्कूल में आर्म रेसलिंग का इवेंट कामयाब हुआ, और अपने तमाम डायरेक्टर्स, स्कूल टीचर और स्टाफ का शुक्रगुजार हूँ, और इनका भी ताउन रहा।